रणावट डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ, गुप्त रोग में धातु का पतला होना, वीर्य का पतला होना, वीर्य विनाश होने के बाद में वीर्य नहीं बनाना की शिकायतें आजकल के युवाओं को बहुत सताती है, और उसमें से काफी लोग इलाज करा के भी थक चुके होते हैं, और काफी लोगों के पास में इतना धन भी नहीं होता है कि वो अपना महंगा इलाज करा सकें। इसके लिए काफी लोग मुझे कहते हैं कि कुछ ऐसे वीडियो बनाओ जो घरेलू उपचार हो, हम ठीक हो सकें। इसलिए मैं घरेलू सीरियल में आज आपको बता रहा हूँ कि वीर्यवर्धक वो औषधि जिससे आपके शरीर में ताकत आए, जोश आए, जुनून आए, वो हर्ष, वो उल्लास, वो उमंग, वो मुस्कान आप में भी रहे। बड़ा सरल नुस्खा आज बता रहा हूँ। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ धातु वीर्य पतलापन को दूर करना और गाढ़ा करना, ज्यादा करना, और जो आपको हर्ष और उत्साह, उमंग, उल्लास दे, आपकी मुस्कान आए, जो ये झुकी झुकी नजरें आपकी है वो खिलखिलाती हुई सूर्य के समान रोशनी बिखेरती हुई हो जाए, उसके लिए सिंपली दो दवा है, अश्वगंधा और विदारा। पुराने जमाने में नागौर की अश्वगंधा अच्छी मानी जाती थी, इसलिए काफी लेखकों ने ये भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, नागौरी, कहीं नागौरी अश्वगंधा, यानी अश्वगंधा अश्वगंधा ही है, कोई फर्क नहीं है, एक ही होता है। अश्वगंधा के साथ में आप विदारा मिला लीजिए। इन दोनों चूर्ण को समान भाग, सम भाग बोलते हैं, यानी आप 100-100 ग्राम ले लीजिए, 200 ग्राम ये हो जाएगा। आवश्यकता अनुसार मिश्री जो आती है वो आप उसमें मिला दीजिए। विदारा, अश्वगंधा, चूर्ण भी मिलते हैं आपको तैयार बाजार में, और अगर आप पंसारी की दुकान से ताजा लाके कूट पीट के बनाओगे तो वो और बढ़िया होगा। अश्वगंधा और विदारा अगर आप घर लाके उसको उपयोग में लेना चाहते हैं तो एक बार उसको आप धो देना, धो के सुखा देना, क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी होती है, सो वो थोड़ी सी गंदी होती है, वो आप साफ हो जाएगी, और जैसे ही वो सूख जाए आप उसको कूट के कपड़ छान, यानी कपड़े में छानने लायक होना चाहिए, वैसा हो जाएगा। उसमें आप मिश्री मिला दीजिए, मिश्री को भी पीस लीजिए, और वो दूध के साथ में सुबह शाम आप पियेंगे, खून बढ़ेगा आपको, और रक्त में जो कमी पाई जाती है, हेमोग्लोबिन, वो अच्छा बढ़ जाता है। इससे भूख की कमी है वो आपकी दूर हो जाएगी, भूख खुलती है, भूख लगती है इससे, और इससे ये जब भूख लगेगी तो निश्चित है कि वीर्य बनेगा, तो आखिर भोजन से ही ना, तो भोजन आपका आपको हजम हो जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आप टिप्पणी करेंगे, टिप्पणी का जवाब दे दूंगा, मेरे व्हाट्सअप नंबर इसके अंदर होते हैं। काफी लोग व्हाट्सअप कॉल करते हैं, हम बिल्कुल मना करते हैं कि आप हमें व्हाट्सअप कॉल ना करें, और व्हाट्सअप पे कोई एक सवाल का जवाब तो दिया जा सकता है, चैटिंग करने में असमर्थ है। व्हाट्सअप के ऊपर हम कोई सलाह फ्री नहीं देते हैं। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।